नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। महाराष्ट्र में शिवसेना अब तक की सबसे बड़ी सियासी संकट का सामना कर रही है। कई विधायकों ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत कर दी है, जिससे सीएम उद्धव के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। क्या होगा मौजूदा विधानसभा का समीकरण, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिवसेना पर संकट के बादल, बागी विधायकों ने बढ़ाई सीएम उद्धव की परेशानी। सीएम उद्धव के सामने एकनाथ शिंदे का चैलेंज, क्या बचा पाएंगे उद्धव अपनी कुर्सी? क्या है मौजूदा विधानसभा का समीकरण? महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए और कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सर्वसम्मति से पूरे पावर उद्धव ठाकरे को दिए गए हैं। साथ ही बागियों पर कठोर निर्णय लेने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा बागी विधायकों के परिवार के सदस्यों और करीबियों को शिवसेना के पदों से हटाया जाएगा। शिंदे समूह के खिलाफ शिवसेना ने आक्रमण रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा और कहा कि किसी को भी शिवसेना या बाबा साहब ठाकरे का नाम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि दरअसल शिंदे समूह नई पार्टी बना रहा है और बाबा साहेब ठाकरे व शिवसेना का नाम लेने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि 288 विधायकों वाली विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को अपनाना बहुमत साबित करने के लिए 144 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। मौजूदा सरकार की बात करें तो एमवीए सरकार में शिवसेना के 55 विधायक, एनसीपी के 53 विधायक और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। इसके अलावा एमएनएस स्वभाविनी पक्ष और राष्ट्रीय समाज पक्ष के एक एक विधायक और 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। बीजेपी के 106 विधायकों के साथ मुख्य विपक्ष पार्टी बनी हुई है। और अगर सरकार के साथ विधायकों की बात करें तो 114 विधायक ऐसे हैं जो सरकार के साथ हैं, जिनमें एनसीपी के 53, शिवसेना के 17 और कांग्रेस के 44 विधायक भी शामिल हैं। तो वहीं सरकार के खिलाफ का आंकड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है और 164 विधायक हैं जो सरकार के खिलाफ हैं, जिनमें बीजेपी के 106, बागी शिंदे के 38 और अन्य 20 विधायक सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की अगुवाई में इस समय पार्टी के 38 विधायक गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं। शिंदे ने न सिर्फ सरकार या पार्टी से बल्कि ठाकरे के परिवार से भी बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।